जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में व्यापार बंधु की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शुरू होने वाले शीतलहर को देखते हुए रात्रि पुलिस गश्त बढ़ाने, बिजली विभाग के जर्जर तारों और विद्युत पोलों को दुरुस्त करने तथा कुछ जगहों पर ट्रांसफार्मर बदलने और नया ट्रांसफार्मर लगाने, साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने, व्यापारियों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही टप्पेबाजी की घटनाओं के जल्द खुलासे के लिए एसपी क्राइम ने व्यापारियों को आश्वस्त किया। बैठक में एडीएम चिति विनीत कुमार सिंह, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, अभिषेक शाही, योगेंद्र नाथ दुबे, नर्मदा श्रीवास्तव, अजय जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। ये रेलवे स्टेशन पर जो चौकी है, गौरव सिंह इंचार्ज है, इसीलिए अभी तक जो सोनी की व्यापार जबरदस्त हो रहा है, किसी का व्यापार होटल का किसी भी व्यापार को नहीं, एकदम बहुत बुरा है। एक व्यापारी बैठे हैं, ये इनकी होटल पर पहुँच करके जो है पुलिस के लोग पूछ करके जो है दौरा जबरदस्ती चाहते हैं कि हमें मिल जाए। रात को कैसे क्या हुआ परसों? डेली सर मतलब जबरदस्ती लोग आते हैं, ये सिपाही बेचते हैं, कहते हैं कि हम रेलवे चौकी से आ रहे हैं और सी ओ साहब ने मांगा है, सी ओ साहब के गेस्ट हैं, एस पी सिटी साहब के गेस्ट हैं, एस एस पी साहब के, मतलब किसी भी बड़े अधिकारी साहब का नाम लेके कि आप इनको रोक दीजिए, रूम ये कर दीजिए। ठीक है, पर्सनली ये अलग से जो अननेसेसरी उत्पीड़न ना मैं करना, ठीक है, इट विल बी डन, ओके, मैं भी टेकन किया है, मैंने नोट कर लिया। चौक के बहुत कंपनी का रहा था, खेलों का इस्तेमाल हटवाते भी हैं, तब तक वो पेट्रोलियम की ठंड को देखते हुए, मौसम को देखते हुए अलग से एक स्पेशल स्कीम लागू की गई है, उसमें एसपी रैंक से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक 3-4 गाड़ियां अलग से पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई हैं। उनका टाइम भी 12 बजे से 6 बजे तक रखा गया है रात के लिए, विंटर मौसम को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने इस काम के लिए पिछले 9-10 दिन से इसको शुरू कर दिया है। आप जो टप्पेबाजी की बात बता रहे हैं, टप्पेबाजी घटनाओं का आपने दो का लिखा है, और 3-4 इधर भी है। हाँ, हमारे पास 4-5 बजाना पड़ेगा, 4-5 बजाएं, मतलब लगातार नंबर एक बार बजाए रुक जाए, वो खौफ रहता है ना, जब हुटर बजता है या खौफ रहता है उनके अंदर, तो दिखेगा भी नहीं सारा दुकान दे। तो टप्पेबाजी में 94 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